सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं भजन संहिता अध्याय 91 वचन 9 से। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, क्योंकि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर के ठेस लगे। आमेन। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की वचन बता रही है। यह परमेश्वर का दास इस वचन के माध्यम से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कह रहा है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। कह रहा है कि तू ही मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ है। तू मेरे छुपने का जगह है, तू मेरा छुपने का जगह है, मेरा शरण लेने का जगह है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। इसलिए वह दास, जो परमेश्वर का दास है, वह कह रहा है इस वचन के माध्यम से, कह रहा है, हे मनुष्य की संतान, तुमने भी जो परम प्रधान को अगर अपना धाम मान लिया है, जैसे मैंने माना है, कहता है जैसे मैंने परम प्रधान परमेश्वर को अपना शरण स्थान माना है, अपना गढ़ माना है, यदि तूने भी परमेश्वर को अपना शरण स्थान या अपना धाम मान लिया है, तो इस बात को ध्यान से सुन ले। तेरे धाम मानने से, तेरे शरण स्थान मान लेने से कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी। कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तेरे ऊपर आने नहीं पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कहता है कि कोई विपत्ति तेरे ऊपर पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लिया है। परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरा रक्षक हूं। इसलिए कोई विपत्ति तेरे ऊपर न पड़ेगी और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। वचन कह रही है कि वो परमेश्वर क्या करेगा, तेरे जीवन की और तेरे घर की रक्षा करेगा, और रक्षा में ना ही कोई विपत्ति तेरे ऊपर आने देगा और ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट, डेरे का मतलब घर के निकट आएगा। रहना, जहां पे आप रहते हो, आपके रहने के जगह पे कोई विपत्ति नहीं आने पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे घर की और तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा। आगे वचन बता रही है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। वचन कह रही है कि वह इस प्रकार रक्षा करेगा, कैसे, कि वह अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। कि वे दूत क्या करेंगे, कि तू जहां कहीं जाएगा वह तेरी रक्षा करेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहती है कि वह परमेश्वर अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा देगा कि तू जहां कहीं जाए वह दूत तेरे संग संग जाएंगे और तुम्हारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और वचन कह रही है कि वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे।
वे दूत क्या करेंगे, तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर के ठेस लगे। कहता है कि वह स्वर्गदूत सदैव तेरे संग संग चलेंगे, तू जहाँ कहीं जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे, और इस भांति से रक्षा करेंगे कि कोई विपत्ति तेरे ऊपर आने वाली भी रहेगी, कोई दुख आने वाला भी रहेगा, तो वे तुझे अपने हाथ उठा लेंगे, अपने हाथों हाथ उठा लेंगे कि कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे पाँव में पत्थर के ठेस लगे या तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रकार की हानि होने पाए, या तुम्हारे जीवन में शैतान के द्वारा कोई बाधाएं, कोई विपत्तियां, कोई संकट न आ जाए। इसलिए वे स्वर्गदूत क्या करेंगे, हाथों हाथ तुम्हें उठा लेंगे और तुम्हें सुरक्षित बचा कर रखेंगे। ऐसा तब होगा कि जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान या अपना धाम मान लोगे। हे मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को उस परमेश्वर के शरण में कर दोगे और परमेश्वर को अपना शरण स्थान, अपना धाम ठहरा लोगे, अपना धाम मान लोगे, तब वह परमेश्वर क्या करेगा, आपको, आपकी और आपके घर की वह रक्षा करेगा, सदैव आपको बचा कर रखेगा, हमेशा के लिए अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी मदद करेगा। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे वह स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान, अपना मन फिरा लीजिए कि वह परमेश्वर आपको अपने रक्षा कवच, अपने आपको अपनी आशीषों में ढांप ले। सच में यदि आप अपना मन उस परमेश्वर की तरफ लगाते हैं तो वह परमेश्वर अवश्य है कि आपको संपूर्ण जीवन तक सुरक्षित रखेगा और सदैव आप उसके आशीषों में पलेंगे, बढ़ेंगे और चंगे रहेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मैं आज के दिन के लिए आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अवश्य है कि यदि आप विश्वास से उस परमेश्वर को अपना धाम मानकर इस प्रार्थना को ग्रहण करोगे तो अवश्य है कि परमेश्वर आज पूरे दिन आपको अपने आशीषों में ढाप कर रखेगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का ठेस न लगे और ना ही कोई दुख, कोई विपत्ति आए। अवश्य है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर पूरे दिन आपको सुरक्षित और भला चंगा रखेगा। इसलिए आंखों को बंद करिए और ध्यान से प्रार्थना को स्वीकार करिए। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम से प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग के सिंहासन पे बैठे हुए अपने छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के शरीर को तू स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, समस्याएं हो, विपत्तियां हो, नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस बात का कि परमेश्वर आज पूरे रात हरेक को तू संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हरेक को तू अच्छी नींद दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर पूरी रात अच्छी नींद में सुलाया है, और सुबह होते ही तूने अच्छा नई सुबह दिया है परमेश्वर, और हे परमेश्वर फिर से तूने नया जीवन दिया है, नया दिन दिया है। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन भर का जीवन तेरे हाथ में, सबका जीवन हम तेरे हाथ में सौंपते हैं कि आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, कोई बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए, ये जहां भी रहे भले चंगे रहे, सुरक्षित बने रहे। हे परमेश्वर आज पूरा दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए, हर पाप हर गुनाहों से इन्हें बचाए रख मेरे प्रभु, इनके मन इनके हृदय को बदल, ताकि ये बुराई से घृणा करे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हे परमेश्वर और तेरे पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण होकर और तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें जो बीमार है उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए। प्रभु तूने हमें अधिकार दिया, कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य अधिकार देता, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ कि इन सब के सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी को मैं आदेश देता हूँ यीशु के नाम से शिक्षण बाहर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी शिक्षण निकल जाए, कोई दर्द हो, पीड़ाएं हो, कोई प्रकार की बीमारी हो, नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार के ऊपर कोई दुष्ट आत्मा हो तो वह दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं शरीर छोड़े निकल जाए। इनके शरीर, इनके घर, इनके परिवार, इनके रोजी रोजगार के ऊपर कोई भी प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी का बंधन है, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। इनके जीवन
में कोई प्रकार के श्राप हो, कोई पाप हो, कोई बंधन हो, तो यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में, वह गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है उसका कर्जा अदा हो रहे पाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं नौकरी के तलाश में है तो उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर घटी भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन की जो भी समस्या, हर समस्या से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जिसके पास रहने के लिए घर नहीं उनके पास घर हो जाए, जिनके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन हो जाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में हे परमेश्वर तेरी बहुतायत की आशीष मिले, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में उतरने पाए। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुने इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां हैं, जिनके घर पे जमीनी विवाद चल रहा है तो परमेश्वर उनका विवाद खत्म हो और उनका फैसला उनके हक में होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन के हर एक समस्याओं को प्रभु तेरे नाम से मैं बाहर करता हूँ। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी भारत के नौजवान जो बॉर्डर पे इस भारत देश की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, प्रभु प्रार्थना करता हूँ उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करें और उन्हें सुरक्षित बचाए रखें। हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने देश के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने विद्वान हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक को ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस देश के लिए जो भी करे सब कुछ अच्छा तेरी इच्छा के अनुसार करे। हे परमेश्वर जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपने ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि सबके सब बुराई से घृणा करे भलाई के मार्ग पर चले। हे परमेश्वर सबको तेरी अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सबके दिलो दिमाग के ऊपर से शैतान के बोझ खत्म होने पाए और सब पवित्रता की शिक्षाओं को ग्रहण करे अपनाए और उस पे चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर ये देश तेरा मनोहर देश बने, इस देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हाँ मेरे प्रभु शैतान के हर एक चाल हर एक व्यवस्था हर एक के जीवन से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर तेरी छात्र छाया बनी रहे, जो पढ़ाई लिखाई में लगे हुए पिता उनके जीवन का हर एक लक्ष्य पूरा होने पाए, जो हे परमेश्वर जो अपने आशा और विश्वास में लगे हुए उनकी आशा और विश्वास पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक के लिए, उनके हर एक के जीवन के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने बच्चे वाले उनके बच्चों के लिए। हे परमेश्वर तेरी हर एक आशीष हर एक चंगाइयां हम यीशु मसीह के महान नाम में मांग लेते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।